मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद की है। एक बड़े प्रतिष्ठान का यहां पे उद्घाटन था, कोरोना कालखंड के दौरान वह जमीन आवंटित हुई थी और जमीन आवंटन होने के बाद वह 2022 के अंत में मेरे पास आए कि हमें अपने बड़े प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सेंटर, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगे हों, वह तैयार हो गया। मैंने कहा भी मैं रिपोर्ट भी ले लेता हूं, आपने मुझे अपना इनविटेशन दिया है और ये इनविटेशन आपने मुझे दिया है तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं। मैंने रिपोर्ट मांगी, मुझे आया कि हां साहब ये बन के तैयार हो चुका है और इसके आने के बाद 40,000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज इसके साथ ही आ जाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा ठीक है हम लोग आ रहे हैं, इसमें काम करना कि मेरे आने के पहले सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को इसके लिए आमंत्रण जरूर दीजिए। तो चौंका, कहा जनप्रतिनिधि? मैंने कहा हाँ, वहां के मान्य सांसद होंगे, मान्य विधायक होंगे। हाँ, क्या गौतम बुद्ध नगर में भी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी सांसद विधायक हैं? अरे हमने कहा क्या गौतम बुद्ध नगर जनपद क्या किसी और जिले का है? वो आके मेरे सामने इस बात को कहे, कहे साहब मैं भौचक हूं, मेरी पूरी जिंदगी जिस राज्य में और जिस क्षेत्र में व्यतीत हुई, अगर वहां इतना बड़ा निवेश मैं करता तो अब तक लोग मेरा जीना हराम कर देते हैं और गौतम बुद्ध नगर जनपद में न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई अन्य पदाधिकारी, कोई भी मेरे पास कहने के लिए नहीं आया इस कार्य में मैं इसको लूंगा, मेरे लोग यहां रहेंगे, फलाना वहां रहेंगे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रफुल्लित है कि एक नया निवेश हमारे जनपद में आया है और मेरे देश के लोगों को, मेरे प्रदेश के नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यह है सकारात्मक योगदान और जो सकारात्मक माहौल बना आज उसी का परिणाम है गौतम बुद्ध नगर जनपद की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देश के अंदर सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाले जनपदों में से एक है। मित्रों, जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं, तब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल पैदा होता है। 1947 से 2014 तक इस देश ने सरकारों को देखा है, अनेक सरकारों को देखा है। मोदी जी के आने के पहले 15 सरकारें आ चुकी थी, अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, शेष सरकारें क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं हो पा रही थी? तब क्यों नहीं गरीबों को फ्री में राशन मिल पा रहा था? तब क्यों नहीं गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी? तब गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब नौजवानों की नौकरियां कहां थी? तब बेटी और व्यापारी को सुरक्षा कहां थी? ये लोग केवल उपयोग करते रहे समाज को, जातिवाद के नाम पर बांटते रहे, अराजकता का फैलाते रहे और उन पेशेवर गुंडे, अपराधी और दंगाइयों को प्रश्रय दे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहे। हम भी अपनी सज्जनता के कायल होकर के जाति की हवा में बह जाते थे और अंततः दुष्परिणाम हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। हमारा ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यूपी का मतलब क्या है, मैं कहता हूं यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित संभावना, असीम संभावना वाला प्रदेश है ये। ये प्रदेश पहचान के लिए मोहताज हो गया, तो असीमित संभावना इसमें नहीं होती तो राम भगवान, राम भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, मां गंगा, इन सबका आशीर्वाद हमें मिलता क्या? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास क्या नहीं हमारे पास है? सबसे अच्छे हस्तशिल्पी हमारे पास, सबसे अधिक योग्य युवा हमारे पास, तो हम हाथ क्यों फैलाएंगे? हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। आज यही उत्तर प्रदेश कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बदहाल बना दिया था, वही उत्तर प्रदेश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है।